नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और हिंदू पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। If there are rumors of hidden cameras in the toilets, please understand there's nil, nothing to it, zilch. There's a rumor which is going around, and there are false videos which have been going around that there are hidden cameras. It's an institution, and there cannot be any hidden cameras. So please do not follow these kind of stories. And it's very, very upsetting to see that even media is asking me such questions. You should be the first ones to say that these things do not happen. पहले कहा गया कि ये कोई छोटा मोटा prank है और अब कहा जा रहा है कि हिडन कैमरा नहीं था। ऐसे कथानकों से उडुपी बाथरूम शूटिंग कांड पर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर के स्टेटमेंट्स काफी भ्रमित करने वाले हैं। पहली बात तो अपनी जांच प्रारंभ करने से पहले उन्होंने कम्युनल एंगल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कोई कम्युनल एंगल मत एक्सपेक्ट कीजिए। उसके बाद जोर दे रही है कि कॉलेज में कोई हिडन कैमरा नहीं था। अरे भाई, जब इंक्वायरी शुरू ही नहीं की तो आपको कैसे पता चला कि हिडन कैमरा नहीं था? We have been speaking to the police satisfactory or not or what they are doing. We are working together right now and we have to work together right now. We both need each other. The investigation from the police department and the investigation from our side will continue and will come to a conclusion very soon. जिनसे आप बात कर रही हैं, ये वही पुलिस प्रशासन है जो इस घटना को प्रैंक कह रहे हैं। वही कॉलेज प्रबंधन है जो इस प्रकार की घटना रिपोर्ट होने पर 5 बार दोबारा ऐसा नहीं करेंगे लिखने का बड़ा भारी पनिशमेंट देकर वीडियो बनाने वाली लड़कियों को शह देते आए हैं। और एक बात और, यहाँ जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम की दुहाई दे रही हैं, वो कॉलेज को बचाने की आड़ से ज्यादा और कुछ भी नहीं लग रहा। Because we all come from educational institutions and we know that we have never faced, young girls like you have never faced it. Right? So we need to understand, we have to behave. Yes, madam, आप और हम भी कॉलेजेस में पढ़े हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जो पीड़ित छात्राएं हैं वो भी कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, तो जो वो शिकायत करी उसको ध्यान से सुनिए और सतर्कता के साथ उसकी जांच कीजिए। आप जैसे लोगों के रवैये के कारण ही अधिकांश लड़कियां ऐसे मामलों में सामने नहीं आती है। अब आप खुशबू सुंदर के वक्तव्य का इम्पैक्ट देखिए। जैसे ही खुशबू सुंदर का ये वक्तव्य सामने आया, राजदीप सरदेसाई जो है वो अपना व्हाइट पेंट का डब्बा और ब्रश लेकर पहुंच गए इस पूरे मामले पर एक और कोट लगाने के लिए। अब तक राजदीप सरदेसाई ने इस विषय पर एक भी ट्वीट नहीं किया था, क्योंकि साहब तो मणिपुर के मुद्दे में बिजी थे। लेकिन जैसे ही खुशबू सुंदर का वक्तव्य बाहर आया, राजदीप सरदेसाई की ट्वीट शुरू हो गई, क्योंकि अब ये मुद्दा उनके एजेंडा को सूट कर रहा था। लेफ्टिस्ट मीडिया की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बीजेपी रूल स्टेट हो और बात अगर मुस्लिम महिलाओं की इज्जत की हो तब तो इनको पूरी फिक्र है, लेकिन अगर बात हिंदू महिलाओं की इज्जत की हो और नॉन बीजेपी रूल स्टेट हो तो ये प्रैंक है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा उसकी कोई कीमत। अरे भाई, मर्डर चाकू से हुआ हो या तलवार से, मर्डर तो मर्डर ही कहलाएगा ना। इससे पहले मणिपुर के ही विषय पर खुशबू सुंदर को निर्वस्त्र महिलाओं का वीडियो बनाने पर बहुत ही ऑब्जेक्शन था और ऑब्जेक्शन होना भी चाहिए था। एज एन NCW मेंबर बट एज अ वुमन इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड आई से दैट वी ऑल as a community of human community we should hang our heads in shame that we still allow this kind of atrocity a heinous crime in our country and the worst part is we are mute spectators it's about these two women who are paraded naked in Manipur and apart from that there are like 30-40 people who are you know looking at it probably enjoying this parade and there are people who are taking videos of it and I don't understand what do they gain by this lekin aaj अगर उडुपी में बाथरूम की 4 दीवारी में मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बना रही है तो मुद्दा महिलाओं की इज्जत का नहीं है, आपत्तिजनक वीडियो का भी नहीं है, बल्कि हिडन कैमरा का है। इसको कहते हैं हाइट ऑफ वोकिज्म। और मैडम, पहली बात तो आप घटनास्थल पर 8 दिन बाद पहुंची है और आपके वक्तव्यों से लगता है कि बायस्ड माइंडसेट के साथ पहुंची है और ये एक आपराधिक घटना है, किसी फिल्म का सेट नहीं। जिस कांड को कॉलेज प्रबंधन स्वयं ढकने में लगा है, आपको क्या लगता है कि कॉलेज सारे साक्ष्य करीने से लगाकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा? आओ खुशबू जी, फीता काटो और बनाओ अपनी रिपोर्ट। स्थानीय निवासी
रश्मि सामंत और जागरूक नागरिक शेफाली वैद्या जैसी महिलाओं ने इस विषय को उठाया है और कई स्थानीय लोग जैसे मितेश कुमार जैसे लोगों ने, छात्राओं ने इस कांड की पुष्टि भी की है। राष्ट्रीय महिला आयोग से निवेदन है कि इतने गंभीर विषय का उपहास करना बंद करो। कल ही टीवी 9 के इंटरव्यू में और भी छात्राओं ने पिछले एक वर्ष से इस प्रकार के वीडियो बनाने की पुष्टि की है। बताया कि वीडियो भी बने हैं, मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल एक्सचेंज भी हुए हैं और यहाँ भी एक अब्दुल है जिसने ये अपराध करने वाली लड़कियों को बचाया है। तो जाइए उनसे जाकर बात कीजिए। मैडम अपनी गाड़ी और अपने गुरूर से थोड़ा नीचे आइए, जनता के बीच में उतरिए और सच्चाई का पता लगाइए। और अगर भारी बारिश में आपका मेकअप खराब हो रहा है तो बेहतर है कि वापस दिल्ली लौट जाइए, लेकिन इस गंभीर मुद्दे को मजाक मत बनाइए वरना देश की हिंदू लड़कियों की हिम्मत टूट जाएगी और वो ऐसे विषयों में आगे आकर अपनी बात कहना बंद कर देगी। तो ये था उडुपी बाथरूम वीडियो कांड में हमारा अपडेट। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट। नमस्ते।